हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेक्टर 99A द्वारका एक्सप्रेसवे पर DDJAY प्लॉट्स के ऑप्शन। हम बात करेंगे स्पीति होम्स के न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका के रेरा आ चुका है और फर्स्ट फेज जो है वो एक दिन के अंदर ही सोल्ड आउट हो गया था। तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर स्पीति होम्स ने कुछ DDJAY के और कुछ जो है नॉर्मल प्लॉट्स के ऑप्शंस निकाले हैं। लोकेशन क्या है, क्या प्राइस है, क्या साइज़ है, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ इस तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस लगातार आप तक पहुंचे, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे एक एलिवेटेड कॉरिडोर है जो आपको गुड़गांव और दिल्ली को आपस में जोड़ता है। 18-19 किलोमीटर का जो ये कॉरिडोर है बनके तैयार हो चुका है और अभी हाल ही फ़िलहाल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था। उससे पहले भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी में उछाल आया था प्राइसेस में और ज़बरदस्त वहाँ पे एप्रिसिएशन देखने को मिला है पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। गुड़गांव के अंदर जितनी भी लोकेशंस है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो गया, SPR हो गया, न्यू गुड़गांव हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, तो सबसे ज़्यादा जो एप्रिसिएशन, सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ में जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही हुआ है। उसके बहुत से रीज़न है, जैसे कि ग्लोबल सिटी है, 1100 एकड़ की जो ग्लोबल सिटी आने वाली है, जो हरियाणा गवर्नमेंट की एक बहुत एम्बिशियस स्कीम है, एक एम्बिशियस परियोजना है, उसका जो फर्स्ट फेज का काम है वो भी स्टार्ट हो गया है और 2026 के एंड तक उसका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी सिटी बनाने की कोशिश हो रही है हरियाणा गवर्नमेंट की, जहाँ पे वो लोकल डेवलपर्स को, इंटरनेशनल डेवलपर्स को इंक्लूड करके उस प्रोग्रेस के अंदर वहाँ पे बहुत ही अलग कैटेगरीज के रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, इस तरह के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जो कि आपके जो अभी तक के प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली NCR के अंदर उनसे काफ़ी अच्छे लेवल पे बनेंगे। तो उस एंटिसिपेशन पे भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन हुआ है। कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत ही स्मूथ हो गई है और दिल्ली के बिल्कुल पास लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे, तो उस वजह से भी प्रॉपर्टीज़ में अप्रिसिएशन हुआ है। विजन सिटी आने वाला है, हेलीपोर्ट आने वाला है, बहुत सी ऐसी स्कीम्स है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिसकी वजह से आज से 5-7 साल बाद द्वारका एक्सप्रेसवे को एक बहुत ही अलग लोकेशन के रूप में देखा जा रहा है। तो इस वजह से प्रॉपर्टी में जो एप्रिसिएशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। बात करते हैं सेक्टर 99A की। तो सेक्टर 99A जो है वो कहीं ना कहीं प्लॉट्स का हब माना जाता है और ख़ासकर DDJAY प्लॉट्स के ऑप्शंस तो वहाँ पर आपको बहुत मिल जाएंगे। 5 से 6 साइट्स है इस वक्त जहाँ पर DDJAY प्लॉट्स के ऑप्शन आपको मिलते हैं। सत्या का वहाँ पे प्रोजेक्ट है, अदानी तत्व है, आपको स्काई वेल्स का, आपको वियना ग्रीन्स मिलता है, रहेजा वन्या मिलता है और जो स्पीति है उनके जो आपको प्लॉट्स मिलते हैं। तो इसके अलावा भी 1-2 और वहाँ पे डेवलपर्स हैं जिनके वहाँ पर आपको DDJAY प्लॉट्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो कुल मिलाकर सेक्टर 99A में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं DDJAY प्लॉट्स के अंदर, लेकिन मैक्सिमम जो ऑप्शंस है वो सोल्ड आउट है। और जितने भी, अगर आप स्पीति के अलावा दूसरे बिल्डर्स में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको रीसेल में ऑप्शंस मिलते हैं। सेक्टर 99A आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से बिल्कुल 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। अगर आप अंदर की तरफ जाना चाहो, 75 मीटर की रोड जो है, जिसको के अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, उससे बहुत ही अच्छे लेवल पे ये कनेक्टेड है ये सेक्टर। और मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स की जो एंट्री है आपको इसी 75 मीटर जो ये आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है इससे मिलती है, किसी को 24 मीटर के थ्रू, किसी को 12 मीटर के थ्रू, इस तरह से हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी, मतलब मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को एंट्री इसके अंदर मिल जाती है। जो आपका ग्लोबल सिटी है, जो कि आपका 3 सेक्टर के अंदर आएगा, 37A, B और 36B के अंदर, तो जो सेक्टर 37 है जस्ट अपोजिट लगता है आपका 99A के साथ में, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉक्सिमिटी है आपकी अपकमिंग ग्लोबल सिटी से, वो 99A की बहुत ही ज़बरदस्त है।
उसके साथ साथ ही अगर आपको न्यू गुड़गांव के लिए भी जाना है तो वहाँ से भी आपकी प्रॉक्सिमिटी पास में ही है, 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। SPR पे जाना है, अगेन 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो जो दिल्ली बॉर्डर लगता है आपका, वो भी 7-8 किलोमीटर पर आ जाता है। 12-13 किलोमीटर पर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है, द्वारका के सेक्टर 22-23 आपको मिल जाते हैं। शिवमूर्ति का जो डिस्टेंस है वो भी आपको वहाँ से 15 से 18 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोकेशन है सेक्टर 99A की, वो ऐसी सेंटर में है कि जहाँ से आप गुड़गांव के हर कोने में, दिल्ली के हर कोने में वहाँ से इजीली मूव कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं लोकेशन काफ़ी अच्छी है और शायद इसी वजह से यहाँ पर जो प्लॉट्स की डिमांड है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। कमिंग बैक टू स्पीति होम्स प्लॉट्स, तो पहला जो फेज था DDGY प्लॉट्स का, इन्होंने लॉन्च किया था फरवरी मार्च के अंदर में ही, और एक दिन के अंदर ही पूरे के पूरे प्लॉट्स इन्होंने निकाले थे। 70-80 प्लॉट्स जो भी निकाले थे वो सारे सोल्ड आउट हो गए थे। तो ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिली थी और बहुत से लोगों के चेक्स नहीं लग पाए। ऑलमोस्ट आप समझिए कि 50-60% लोग ऐसे थे जिनके चेक्स ही नहीं लग पाए। रीज़न सिर्फ एक था, क्योंकि इन्वेंट्री कम इन्होंने निकाली थी। तो अब इन्होंने फिर से कुछ इन्वेंट्री लॉन्च की है, बहुत कम इन्वेंट्री निकाली है, लेकिन इस बार जो अच्छी बात है वो ये है कि इन्होंने कुछ रेगुलर प्लॉट्स भी निकाले हैं। क्योंकि ये जो 23 एकड़ की साइट है, इसमें आपके 12.5 एकड़ में DDGY का लाइसेंस है और जो 10.5 एकड़ का जो पैच बचता है वो आपके नॉर्मल प्लॉट्स का पैच इसमें निकल कर आता है। नॉर्मल जो प्लॉट्स हैं आपके 12 मीटर और 24 मीटर पर लगते हैं, और जो आपके DDGY के प्लॉट्स हैं वो 9 मीटर पर, 12 मीटर पर और 24 मीटर में लगते हैं। एक क्लब हाउस भी इसके अंदर बनेगा, 1 से 1.25 एकड़ में इसमें क्लब बनेगा, 1 से 1.25 एकड़ की इसमें एक फ्रंट में ही ग्रीन बेल्ट है। उसके अलावा फिर अलग अलग जगह पे पीछे बैक में भी आपके पैचेस निकल कर आते हैं ग्रीन के। साइजेस की बात करूं तो जो अभी प्लॉट्स अवेलेबल है DDGY के अंदर वो आपके 150 गज के प्लॉट्स है, ईस्ट फेसिंग प्लॉट्स है, अच्छी फेसिंग है। तो कहीं ना कहीं वास्तु कंप्लायंस के हिसाब से भी जिन लोगों को फेसिंग अच्छी चाहिए होती है तो उनके हिसाब से अच्छे प्लॉट्स हैं। और अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्लॉट्स की तो उसमें आपको 226 गज और 260 गज के प्लॉट्स मिलते हैं, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग आपको मिलते हैं, 2 साइड ओपन प्लॉट्स भी हैं एक दो उसमें। तो अच्छे प्लॉट्स निकाले हैं रेगुलर के अंदर भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है 99A में प्लॉट्स खरीदने के लिए, इफ़ यू वांट टू गो फॉर DDGY, तो उस तरह के ऑप्शंस भी अभी अवेलेबल है। और इफ़ यू वांट टू गो फॉर नॉर्मल प्लॉट्स तो 7-8 उसमें आपके नॉर्मल प्लॉट्स भी निकल कर आते हैं। पेमेंट प्लान इसमें 1 साल का है। प्राइसेस क्या है और किस तरह की पेमेंट्स रहेगी, कब BBA इसका साइन होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नंबर्स जो कि मैंशनड है इस YouTube वीडियो स्क्रीन पे, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू गो फॉर रीसेल DDGY प्लॉट्स तो उस तरह के भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके लिए भी आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट स्पीति होम्स DDGY प्लॉट्स इन सेक्टर 99A। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।